हर महीने रेगुलरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को एस कहते हैं पर ये एस काम कैसे करते हैं इनसे रिटर्न जनरेट कैसा होता है देखेंगे एक एक्सेल शीट के थ्रू इस वीडियो में दोस्तों मैंने अक्सर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के बारे में बात करी है और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एस आई पी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अब ये एस आई पी आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा म्यूचुअल फंड एस आई पी एस आई पी करते रहते हैं स्मॉल केस एस आई पी एस आई पी करता रहता है मैं भी एस आई पी एस आई पी करता रहता हूँ <laughs> तो ये एस आई पी काम कैसे करता है हाउ इज इट दैट एवरी मंथ अगर आप पैसे डाल रहे हैं तो वो एक्चुअली कंपाउंडिंग में रिजल्ट करता है ये एक बहुत ही फंडामेंटल सा सवाल है जो बहुत लोगों ने पूछा है मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आपको हर महीने एक डेट डिसाइड करके पूरी शिद्दत के साथ पैसे डालने हैं इन द स्टॉक और द म्यूचुअल फंड और द स्मॉल केस लेकिन उसका प्राइस कुछ भी हो आप हमेशा उसी दिन पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका दिमाग यह चलता है कि यार आज मैंने फर्ज करस रुपए का हो गया तो मैं महंगा शेयर क्यों खरीद रहा हूं बिकॉज मोर रिटर्न एंड ये कंफ्यूजन जो है ना दैट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट थीसिस तो आज इस वीडियो में एक एक्सेल शीट के थ्रू मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि एस आई पी अल्टीमेटली रिटर्न्स कैसे जनरेट करते हैं लमसम से वो अलग कैसे होते हैं एंड एस आई पी साइन अप करने के वक्त कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि वीडियो के एंड में सबसे पहले एस आई पी काम कैसे करते हैं इसके लिए मैं गया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जहां बेसिकली सारे म्यूचुअल फंड्स का पूरा हिस्टोरिक डेटा है और मैंने एक म्यूचुअल फंड उठाकर उसको एनालाइज करने की पूरी कोशिश करी तो स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं मैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के स्क्रीन पे हूं और वहां एक एन करके चीज होती है जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता होगा इट्स कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू जैसे कि एक स्टॉक का एक प्राइस होता है वैसे ही एक म्यूचुअल फंड का जो हम यूनिट खरीदते हैं उसका एक स्टॉक प्राइस इक्विबलेंट को कहते हैं एन या नेट जैसे जैसे asset वैल्यू अब जैसे-जैसे ये नेट एसेट वैल्यू बढ़ता है आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहती है तो आप यहां जाकर कोई भी म्यूचुअल फंड का कितना भी पुराना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं ऑल ऑफ दिस इज फ्रीली अवेलेबल फॉर यू तो मैं जैसे गया एंड ये सारे ए बी एन एमरो आदित्य बिल्ला ब्ला 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 तो मैंने एक उठाया जो कि था पीबी पीपी एफएएस पराग पारिख का ये फंड है दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन बाय द वे मैं ऐसे ही रैंडमली उठा रहा हूं क्योंकि मैंने पराक पारक में इन्वेस्ट किया लेकिन प्लीज मेरे कहने पे कुछ मत करिएगा अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल करिएगा और उसके अंदर फिर बहुत सारे हैं मैंने फ्लेक्सी कैप उठाया था डायरेक्ट प्लान जो कि ग्रोथ प्लान है एंड फिर आप जाके एने चेक कर सकते हैं एक लिमिटेशन है कि पांच पांच साल तक ही डाउनलोड कर सकते हैं बट दैट्स परफेक्टली फाइन वो हम कर लेंगे तो ये है हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम अगस्त 2011 इलेवन टू ट्वेंटी सेवन जुलाई ट्वेंटी पांच साल जैसे मैंने बोला था फंड लॉन्च हुआ था अराउंड मे 2013 को आई एम एमज्यूमिंग तो 28 मई 2013 का लास्ट डेटा रिकॉर्डेड है विच इज 9.9992 पॉइंट नाइन एन जो है वो 10 के करीब से शुरू होते हैं एंड देन फिर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है सो यू गो ऑल द वे सत्ताईस जुलाई दो को वही जो दस का एन था वो करीब 18 हो गया है विच मीन्स इन दीज अबाउट थ्री ईयर्स इट हैज बिकम ऑलमोस्ट डबल सेम चीज फिर मैंने 2016 से शुरू करी तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट अगस्त 2016 से ऑल द वे टू फर्स्ट जुलाई 2021 वही एन जो 2013 के मई में, 10 का था वो अब 45 का हो चुका है मतलब साढ़े चार गुना बढ़ चुका है इन द लास्ट सेवन टू एट ईयर्स तो ये मैंने सारा डेटा फिर अपने एक एक्सेल शीट में प्लॉट किया क्योंकि आपको दिखाना था तो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं ओके राइट सो ये आपकी एनएवी डेट हो गई ये आपका एन हो गया हम एस आई पी पे आएंगे जो मैंने पांच हजार रुपए डाला हुआ है बट अगर मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि यह काम कैसे किया राइट सो आई विल जस्ट प्लॉट ऑल दी एन एज क्योंकि वही एक बार देखना है तो यहां जाके हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं सामने प्लॉट इसको अगर हम बड़े स्क्रीन पे करेंगे तो मूव चार्ट न्यू शीट ऑफ राइट सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये पराग पारेक के जो फ्लेक्सी कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है उसका प्लॉट है ना मैं आपसे ये बोल रहा हूं विच इज वट दी एस आई पी मीन्स कि अगर हमने मई 2013 को जब ये शुरू हुआ था तब से हमने हर महीने पूरी शिद्दत के साथ पांच हजार रुपए डालना शुरू किया विच इज दी तो हर महीने हम अट्ठाईस तारीख को ही पांच हजार रुपए डालते थे तो अट्ठाइस मे पांच हजार सो ऑन एंड सो फॉर ऑल द दू अस जून दो हजार इक्कीस तक पांच हजार रुपए एंड वॉट वी नाउ कैलकुलेट इज कि हमारा इसके बेसिस पे क्या रिटर्न जनरेट होता इफ वी आर एबल टू डू दैट एंड हाउ डज इट एक्चुअली ट्रांसलेट अब जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड यूजली जो है वो आपको दस से बारह टिपिकली बारह से चौदह परसेंट रिटर्न देते हैं एंड वी हैव टू सी वेदर दैट इज ट्रू और नॉट द बेस्ट थिंग अबाउट दी कि इस आप जैसे हर महीने पूरे डिसिप्लिन के साथ पैसा डाल रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्या मार्केट अप है क्या मार्केट डाउन है एंड फ्रैंकली आप और मैं कम से कम मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है ये एस्टिमेट करने की कि मार्केट डाउन है तो फिर अभी डालना चाहिए या मार्केट अप है तो रुक जाना चाहिए और मैं इतना दिमाग भी नहीं लगाना चाहता मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ

अब जाकर बेचे होते हैं विच इज अब कब है अब इज अराउंड 28 जून तो उस पैसे की कितनी वैल्यू होती एंड दिस इज द अमाउंट मतलब बाईस हजार रुपये करीब करीब बन चुके होते ऑफ दिस फाइव थाउजेंड अगर मैंने

एंड वो चार लाख नब्बे हजार अब बन चुके हैं ग्यारह लाख साठ हजार रुपए सो मतमिल मतलब <laughs> सात साल में आठ साल में आठ साल में मेरा पैसा करीब दुगने से भी ज्यादा हो चुका है एंड इट्स द सेम अमाउंट नाउ यू कैन चेंज दिस अमाउंट तो इसको अगर हम दस हजार रुपए कर दें एंड एस फिर हर जगह दस हजार रुपये डाल दिया है तो दस हजार मतलब अभी तक हमने डाले होते नौ लाख अस्सी हजार रुपए और वो टोटल बन गए होते तेईस लाख रुपए यही चीज आप कर सकते हैं अगर आप दस हजार की जगह बीस हजार रुपए महीना डालते जो कि कोर्स मुश्किल है आई अंडरस्टैंड कि हर महीने शुरू से ही लेकिन अगर आपने डाले होते तो आपने टोटल अभी तक डाले होते उन्नीस लाख साठ हजार रुपए एंड वो टोटल बन गए होते फोर्टी सिक्स लाख फोर्टी थाउजेंड रिटर्न परसेंटेज सेम है नंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि of course, वो oops, वो वैल्यू बढ़ रही है तो हम पांच हजार ही टिके रहते हैं अब ये रिटर्न कितना ट्रांसलेट हुआ वो हमें देखना पड़ेगा एंड वो अब कैलकुलेट करते हैं तो मैं सबसे पहले एब्सोल्यूट रिटर्न निकालूंगा मतलब हमने मे दो हजार तेरह को पांच हजार रुपए डाले वो पांच हजार रुपए जो हैं वो अब बाईस हजार रुपए बन चुके हैं क्योंकि हम पांच हजार रुपए एस आई पी टू सारे महीने तक कर रहे थे तो अब वो टोटल ग्यारह लाख साठ हजार रुपए बन चुके हैं ऑन चार लाख नब्बे हजार विच रिटर्न को अब हमने एक एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट करना है उसका एक सिंपल सा फॉर्मुला होता है फॉर्मले की चिंता मत करिए ये एक्सेल शीट बाय द वे मैं पिन कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा तो दिस बेसिकली सेस कि इस म्यूचुअल फंड ने आठ साल में ऑन एन एवरेज हर साल 11 परसेंट रिटर्न दिया है अगर आपने जून में ये खरीद कर, आप बेचा होता सेम चीज़ अगर आपने एक साल बाद करा होता, तो तब भी 11 परसेंट ही आता उसके बाद अगर छह साल का करते हैं तो 12 परसेंट पांच साल का करते हैं तो 13 परसेंट चार साल का करते हैं तो 14 परसेंट तीन साल का करते हैं तो 17 परसेंट दो साल का 22 एक साल का पच्चीस नाउ दैट्स लार्जली बिकॉज जो सारी ग्रोथ है हमारे स्टॉक मार्केट में वो इन द रिस पास्ट हुई है पिछले सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी थोड़ा बहुत फ्लैट फ्लैट ही था बट दैट इज द ट्रूथ विद एवरीथिंग दिस इज बाय द वे अ गुड परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बाकी सारे म्यूचुअल फंड का भी मोर लेस इतना ही हाल होगा दिस मीन्स एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आपने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया है इट्स लाइक फिक्स डिपॉजिट राइट आपने हर महीने एक पांच हजार रुपए का अमाउंट डाल दिया उस म्यूचुअल फंड में या उस स्टॉक में, या उस में. No years, आपका पैसा एक सौ पैंतीस परसेंट से बढ़ चुका है विच मीन दो गुना भी ज्यादा हो चुका है आपका पैसा सात साल में दो गुना हो चुका है विच इज हंड्रेड एंड नाइन परसेंट रिटर्न या आपका पैसा दो साल में ऑलमोस्ट आधा और बढ़ गया है विच इज फोर्टी एट परसेंट तो आपने सौ रुपए डाले अब आपके पास डेढ़ सौ रुपए हैं. दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड द ब्यूटी इज आपको मार्केट नहीं टाइम करनी है ये नहीं सोचना है कि कब ऊपर कब नीचे जा रहा है आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ उतना ही पैसा डालना है जितना अगर आप बढ़ा पाएंगे उतना और अच्छा रहेगा अब एस करने के लिए विच इज बाय द वे द बेस्ट वे टू डू दैट एंड स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ध्यान में रखनी जरूरी है एंड दैट इज कि जब आप एस करते हैं तो दो तरीके होते हैं एस लेने के एक होता है डायरेक्ट प्लान एक होता है रेगुलर प्लान रेगुलर प्लान बेसिकली आप अपने बैंक से लेते हैं या वर्स अपने पापा के किसी फ्रेंड से या कोई वो ऐसे अंकल जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं सो ऑन एंड सो सोफोल एंड इट मे सीम लाइक अ ग्रेट थिंग क्योंकि वो आपको रिकमेंडेशन देंगे ये सब करेंगे वगैरह वगैरह बट म्यूचुअल फंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्शन क्राइटेरिया होता है एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंस रेशियो वो परसेंटेज होता है जो आपके टोटल अमाउंट से कटता रहेगा इट विल नॉट बी इन्वेस्टेड तो मतलब अगर आपका एक्सपेंस रेशियो एक परसेंट है तो अगर आपने सौ रुपए म्यूचुअल फंड को दिए हैं तो उसमें से नियानवे रुपए नाइनटी नाइन रुपीज इन्वेस्टमेंट में जाएंगे एक परसेंट जो है विच इज एक रुपए वो म्यूचुअल फंड रख लेगा अपने खर्चे के लिए अब वो खर्चा खर्चा, क्या है? है, है। सबसे पहला mutual fund चलाने का खर्चा, fund managers, नौकरी, office, बंगला गाड़ी, जो जो भी वगैरह। अगर आप खरीदते हैं, तो जो agent है, उसकी commission उस expense ratio में होती योर एक्सपेंस रेशियो जब आप एक रेगुलर प्लान ले रहे होते हैं of a mutual fund SIP, वो हमेशा ज्यादा होता है फ्रॉम अ डायरेक्ट प्लान तो अगर आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड है जो कि रेगुलर प्लान पे है उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड डू लेकिन अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नंबर क्यों क्योंकि देर इज ऑल्सो समथिंग एग्जिट लोड विच मीनस अगर आप किसी टाइम से पहले एग्जिट करते हैं तो तब आपका एक डिडक्शन होता है जो म्यूचुअल फंड आपसे लेता है सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट सेकेंड यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि कोई आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना हो क्योंकि अगर आपने एक साल से पहले पहले वो म्यूचुअल फंड बेच दिया तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा जो कि पंद्रह परसेंट है एक साल के बाद बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म हो जाएगा जो कि सिर्फ दस परसेंट है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल प्लस द इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या वो एक्चुअली हो रहा है तो हर एक फंड में जाकर उसको चेंज करना सो इट्स फेरली कॉम्प्लीकेटेड नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन इट इज नेसेसरी एंड दैट इज वाई द वन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू सजेस्ट टू यू इज अ फीचर ऑन आई एंड डी मनी जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ टू मूव माई रेगुलर म्यूचुअल फंड एस आई पीज टू अ डिरेक्ट म्यूचुअल फंड एस आई पी तो स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अपने म्यूचुअल फंड्स पे हूँ एंड आप मैं सारे अगर अपने म्यूचुअल फंड देखता हूँ तो ये बता देता है कि कितने म्यूचुअल फंड रेगुलर में है तो सत्रह म्यूचुअल फंड रेगुलर में है क्लियरली दिखाता है कि कौन कौन से हैं एंड इट ऑल्सो शोज कि मेरी कितनी सेविंग होगी अगर मैं रेगुलर से डायरेक्ट प्लान पर जाऊँ तो एक एक्सेस फोकस्ड फंड है इट इज करंटली इन रेगुलर अगर मैं डायरेक्ट पे जाऊंगा तो मेरा बहुत पैसा बचेगा सो इट विल फर्स्ट शो मी कि जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के थ्रू मेरे को किस पॉइंट पर स्वच करना चाहिए बिकॉज इट इजिंग इंटू अकाउंट एग्जिट लोड एंड इट इज टेकिंग इन टू अकाउंट की मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना आ रहा हो यह सारा ऑटोमेटेड होता है सो द मिनट आई कन्फर्म इट विल टेलमी की वन पॉइंट सिक्स सेवन लैक्स मेरे बच सकते हैं अगर मैं रेगुलर से डायरेक्ट में चले जाऊं इट विल देन की जीरो कमीशन हो चुका है तो अब किसी को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है ऑल हैव टू डू इो बैक टू द सेम एस आई पी दैड मेरा बैंक ऑलरेडी लिंक्ड है एंड वंस इट्स डन सिंपल सुपर सुपर इजी वन क्लिक परचेज टू मूव ऑल योर रेगुलर म्यूचुअल फंड एस आई पीज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एस आई पी जैसे कि मैंने बताया एस आई पी सबसे रिस्क फ्री तरीका है अपना पैसे बढ़ाने का अगर आपको आठ साल पे ग्यारह रिटर्न मिल रहा है हाफ टाइम इन जस्ट एट ईयर इट इज सच अ टेरिफिक वे इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन टू एन एफ डी या वर्स ट्राइंग टू टाइम द मार्केट की जब डाउन होगा तब ही लूंगा जब अप होगा तब बेच दूंगा सोन एंड सोफोर्थ नॉट एट लीस्ट समथिंग दैट आई हैव दॉलेज फॉर विच इज वाई आई वुडेंट रिकमेंड दिस फॉर एनी वन हु जब आप एस आई पी से कंफर्टेबल हो जाएंगे वो एक नॉर्मल एस आई पी बन चुका होगा देन इट इज अ ग्रेट टाइम फॉर यू इफ यू हैव द नॉलेज टू कंसिडर अदर टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट अब एक सवाल आता है कि अगर मेरे पास लमसम अमाउंट है तो उसको मैं कैसे डील करूं बिकॉज अगर आप बोल रहे हैं कि टाइम द मार्केट एक मुश्किल चीज है तो यू मे जस्ट एंड अप टाइमिंग द मार्केट इनकरेक्टली तो आपका जो पैसा था वो गिर ही गया देन यू विल फील मिजरेबल अबाउट इट फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस चार्ट पे जाऊं एंड मैंने फर्ज करो इधर विच इज ये कौन सा दिन है 28 अगस्त 2018 तो कुछ था उस दिन शायद बोनस आया था या कुछ बहुत बड़ा पैसा आया था जायदाद आई थी कुछ भी था तो मैंने 28 अगस्त 2018 को एक लमसम अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में डाल दिया एंड देन आ गया वक्त विच वॉज 27 मार्च 2020, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था पेंडेमिक पूरे जोरों शोर से आना शुरू हो गया था अब मुझे चाहिए थे उस समय पैसे लेकिन वट एट हैपेंड जो मैंने लमसम में पैसे डाले थे एट दी ऑफ ट्वेंटी सिक्स वो अब जाकर इस पॉइंट पर 21 सिर्फ रह गया है विच मीनस 20% परसेंट मेरा उड़ चुका है अगर मैंने एक लाख डाले थे तो अब वो एक लाख के सिर्फ अस्सी हजार हैं अगर मैंने पांच लाख डाले थे उस पांच लाख के सिर्फ चार लाख बचे हैं दैट विल मेक यू फील हॉरिबल राइट तो हाउ डू यू थिंक अबाउट ट्रीटमेंट अगर आपको लमसम पैसा मिलता है लेकिन ड्रमेटिकली ज्यादा भी नहीं होता तो आपको एक रेगुलर उससे इनकम या एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा और वो जो लमसम होगा उसको आप डेट म्यूचुअल फंड में डालकर उसके अमाउंट का एस आई पी बना दीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक लाख रुपए आया एक टाइम पे वो एक लाख रुपए आप मार्केट में ना डालकर उसको एक डेट म्यूचुअल फंड में डालिए जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है पांच परसेंट छह परसेंट सात परसेंट वट एवर द केसेस और आप एक एस शुरू करिए पांच हजार रुपए की जो आपको पता है कि आप इस एक लाख के खत्म होने के बाद भी रेगुलरली मेंटेन कर सकते हैं अगर वो पांच हजार है तो ग्रेट अगर वो दस हजार है तो और बढ़िया तो आप हर महीने इस एक लाख के डेट म्यूचुअल फंड में से दस हजार रुपए बेचेंगे वो एस आई पी में डालेंगे दस हजार रुपए बेचेंगे एस आई पी में डालेंगे दस हजार रुपए बेचेंगे एस आई पी में डालेंगे दस महीने के अंदर ये एक लाख रुपए खर्च हो चुके होंगे उसके बाद आप अपनी रेगुलर इनकम से दस दस हजार रुपए डालते रहेंगे दिस विल बी द राइट वे फॉर यू टू मेक श्योर कि आप कोई भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम एस आई पी का बेनिफिट ले रहे हैं अगर आपने सही टाइम पे लमसम डाल दिया ऑफकोर्स योर रिटर्न विल बी हायर देन एस आई पी क्योंकि नेचुरल सी बात है अगर आप रिस्क ले रहे हैं आपका रिटर्न भी ज्यादा होगा माई सजेशन डोंट मेक दैट हैपन। इज़ अ ग्रेट वे फॉर यू टू कंटिन्यूसली विद वेरी लिटिल रिस्क ऑलमोस्ट जीरो रिस्क कंटिन्यू टू एंजॉय हेल्दी रिटर्न अगर इस पे कोई भी शक कोई भी सवाल कोई भी क्लैरिफिकेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा अंकुरबारी को साइनिंग ऑफ सब्सक्राइब करना ना भूलें हर हफ्ते में पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा